हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेड फ्लावर का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ कलर में फ्लावर का डिज़ाइन बना के लिया है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस तरह से हम नॉट लगाएंगे और 8 चेन बना के लेंगे। 8 चेन बनाएंगे हम। थ्री 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे जो पहला चेन है उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। सिंपल क्रोशेट बना के यहाँ पे हम चेन का सर्कल बना के लेंगे। तो देखो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 3। और यहाँ पे जो चेन का हमने सर्कल बनाया था उसके ऊपर हमें 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, 2। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद हम इसको इस तरह से सिंपल क्रोशेट से पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और आगे फिर से हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हम 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2, 3। तो इस तरह से इसे हम पूरा करके लेंगे। इसी तरह से हमें 7 बार इस डिज़ाइन को बना के लेना है। 3 के हमें 7 ब्लॉक बनानी है, 3 चेन। उसके बाद फिर से 3 हाफ डबल क्रोशेट, इस तरह से। उसके बाद 3 चेन। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 3 ब्लॉक हो गए, तो हम 7 ब्लॉक बना के लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो मैंने इस डिज़ाइन को 7 बार बना के लिया है, 3-3 के ब्लॉक में इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी चेन के बीच में हम सुई को लेंगे और आगे जो हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर जो यहाँ पे क्रोशेट है उसके बीच में से हम सुई को लेंगे और यहाँ पे इस राउंड को इस तरह से पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। और आगे जो 3 चेन है उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2, 3, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर जिस ये जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर ही हमें पूरी डिज़ाइन बनानी है। 3 पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए, फिर 1 चेन बनाई और अब हम यहाँ पे 1 सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन
यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद आगे जो थ्री चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से पहले सिंपल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से हम थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक चेन और यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर एक सिंपल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमने चेन नहीं लिया, आगे जो थ्री चेन है उसके ऊपर फिर से इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट, वन चेन और थ्री डबल क्रोशेट, फिर से वन चेन और एक सिंपल क्रोशेट। तो देखो थ्री डबल क्रोशेट हो गए, उसके बाद वन चेन और आगे यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट, फिर से आगे की चेन के ऊपर एक सिंपल क्रोशेट, वन चेन। तो इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बना के लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो ये राउंड मैंने पूरा करके लिया, तो यहाँ पे हम इसे पूरा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो पीछे जो क्रोशेट है उसके बीच में से हम इस तरह से इसको पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे इसे कट करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा फ्लावर का डिज़ाइन पूरा हो गया। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे कट करके लिया है। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।